राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक स्नान चल रहा है और कार्तिक महात्म की लगातार मैं आपको कथा सुना रही हूँ। कार्तिक महात्म में 35 अध्याय होते हैं। आज हम 9वां अध्याय सुनेंगे। पिछले अध्याय में मैंने आपको सुनाया था कि किस तरह से शिवजी भगवान और जलंधर का युद्ध हुआ था। इस कथा में आप सुनेंगे एक पतिव्रता नारी की कथा। उधर इस कथा में कहते हैं कि इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखकर उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहाँ वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षसों को देखा। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उन्हें अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपने एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा, महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहाँ जलंधर दैत्य का सिर और लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली, महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा जा गया। हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिवजी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमलाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोध हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पति वृद्धर नष्ट कर दिया, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही दो राक्षस कपट के बनाए थे। वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे, हे राजा प्रथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यज्ञ शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में होऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रथु, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्णा वाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के साथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया और ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकल गया श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जलंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे। तब शिव जी ने कहा, हे देवताओं, तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेगी।
तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही दोनों तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर तीन बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को किसी स्थान पर विष्णु में जाकर बो दो, किसी जगह पर विष्णु में जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से तीन वृक्ष उत्पन्न हुए, रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपने बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित है। आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप में होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल रूप में होती है, जड़ में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रतु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसी में यमदूत कभी नहीं आते। इसलिए जो तुलसी के वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य बराबर हैं। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रतु, तुलसी और आंवले का महात्म ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार नवा अध्याय समाप्त हुआ। कहते हैं कि तीन वर्ष तक, जिस घर में तीन वर्ष तक तुलसी जी रहती हैं, सूखती नहीं हैं, उनको श्रीमद्भागवत कराने का पूरा पूरा फल मिलता है। तो इसलिए हमें कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान और तुलसा जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसा जी को सुबह और शाम दीपक, देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। शालिग्राम भगवान के आगे पूजा करनी चाहिए तुलसा जी पर, और तुलसा जी शालिग्राम भगवान पर जरूर चढ़ानी चाहिए भोग स्वरूप में, उनके मस्तक पर रखनी चाहिए। तो इस तरह से ये कथा समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आप तक पहुँच रही है, आपको पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। कार्तिक मास की सभी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। राधे राधे।